पूरे विश्व में कल विश्व जल दिवस मनाया गया, जहाँ इस वर्ष की थीम वाटर फॉर पीस के तहत विभिन्न अभियान चलाए गए। इसी श्रृंखला में ग्रीन विजल फाउंडेशन के तत्वावधान से महाराज बाग परिसर में जन जागृति अभियान चलाया गया। ये अभियान नागपुर के महाराज बाग में चलाया गया, जिसमें नागरिकों को विभिन्न जल संबंधी मुद्दों, जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, भूजल स्तर में गिरावट, प्रकृति आधारित समाधानों को लागू करना जैसे कि झीलों का जीर्णोद्धार और गाद निकालना, वर्षा जल संचयन, जल निकायों में निपटान से पहले सीवेज सहित अपशिष्ट जल का उपचार आदि पर नागरिकों को अवगत कराया गया एवं चर्चा की गई। नागरिकों को नागपुर में हर साल गर्मियों में होने वाली जल संकट से भी परिचित कराया गया और जल स्थिरता प्रथाओं को लागू करके और अपने जल पर चिन्हों को कम करके इसके रक्षा संरक्षण और अनुकूलन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताई गई। विश्व जल दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जो 22 मार्च को प्रतिवर्ष मीठे पानी के संसाधनों के सतत प्रबंधन की वकालत करने के लिए मनाया जाता है, जिसे वर्ष 1993 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अनुशंसित किया गया था। विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य यानी SDG से 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान ग्रीन विजिल के सदस्यों ने इको फ्रेंडली होली उत्सव की भी वकालत की और नागरिकों को जल की कमी, जल संरक्षण के महत्व और आवश्यकता, सूखी होली या तिलक होली को अपनाने, पानी की बर्बादी को रोकने, प्राकृतिक रंगों गुलाब और हर्बल रंगों का उपयोग करने, पानी के गुब्बारे से बचने, मुक्त जानवरों को रंगों के खतरे से बचाने और होलिका दहन के दौरान प्लास्टिक और अन्य सामग्री को जलाने पर रोक लगाने जिससे वातावरण में हानिकारक गैस निकलती है, इस पर प्रकाश डालते हुए रंग बिरंगे तख्तियों के साथ शामिल किया। इस समय पूरे अभियान के विषय में फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य कौस्तुभ चटर्जी ने जानकारी दी। दर्शकों, पूरे विश्व में आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है और आगामी होली के चलते जो है होली में काफ़ी मात्रा में जो है जल का व्यय होता है, जिसके चलते ग्रीन विजिल फाउंडेशन के तत्वावधान से आज वाटर फॉर पीस इस संकल्पना के तहत जो है जन जागृति अभियान महाराज बाग में चलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कौस्तुभ चटर्जी, क्या बताना चाहेंगे किस संकल्पना के तहत ये हो रहा है और किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, इस बार का जो थीम है विश्व जल दिवस का वो है वाटर फॉर पीस। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि पानी और शांति का क्या संबंध है, पर बहुत गहरा संबंध है। हम देखते हैं कि ये पानी है जो चाहे तो हमें लड़ा सकता है या चाहे तो हमारे में शांति भी ला सकता है। एक पानी के लिए हम देखते हैं कि जहाँ पे एक घंटा पानी आता है वहाँ लोग अपना बाल्टी भरने के लिए लड़ते हैं, और वही विश्व में दो देश लड़ते हैं कि भाई आप ये आपके आपने बांध लिया तो हमारे देश में वो नदी का पानी कम हो गया, आपके वहाँ प्रदूषण हो गया तो हमारे यहाँ प्रदूषित पानी आ गया। तो इस संकल्पना को लेते हुए हम आज यहाँ पे जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों से ये बता रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, विश्व स्तर पर अपना काम हो रहा है, मगर आम आदमी, मेरे और आपके जैसा आदमी क्या कर सकता है? जैसे हम जब गाड़ी धोते हैं तो हम पाइप से गाड़ी धोते हैं, हम बाल्टी से धो सकते हैं। हमारे घर में छोटा सा कुछ लीकेज होता है, हम बोलते हैं छोटा सा ही पानी है, जाने दे, हमको उसको सुधारना चाहिए। हम जब ब्रश करते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं। जिनके घर में आज नागपुर शहर में 24/7 पानी है, वो आज का जमा हुआ पानी कल फेंक देते, फिर से पानी भरते, वो ये भूल जाते हैं कि उसी शहर में हमारे कुछ भाई है जिनके यहाँ पे गर्मी में टैंकर पे भरोसा करना पड़ता है। तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो इसलिए पानी एक रिसोर्स है। आज हमारे पास है तो हम इसको खूब यूज़ कर रहे हैं। भूजल नीचे जाते जा रहा है, सीमेंटीकरण के कारण पानी अंदर जा नहीं रहा है, तो ऐसे में हर व्यक्ति को पानी बचाना चाहिए जिससे आने वाले प्रजन्म के लिए पानी बच सके, और यही हम लोगों को समझाने की कोशिश है। आगामी होली के चलते जो है होली में काफ़ी व्यय होता है पानी का, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम इसके लिए हम होली के साथ भी कहना चाहते हैं कि जो होली है उसमें हमें सूखी होली खेलनी चाहिए, क्योंकि जो हम रंग की होली खेलते हैं जिसमें गीला रहता है, लोगों को लगता है कि एक दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा, पर देखिए उन लोगों से पूछिए जिनके घर में एक दिन टैंकर नहीं आता है, वो एक दिन हम बाहर हैं और एक दिन उनको टैंकर नहीं मिलता है, कितनी परेशानी होती है। ये बिंदु बिंदु से सिंधु बनता है, छोटी सी बात है। और ये जो रंग हम खेलते हैं उसमें भी तरह तरह के हैवी मेटल्स होते हैं, तो इसलिए सूखी होली खेलने का हम संदेश दे रहे हैं लोगों से।
और जिस तरह से पानी का व्यर्थ ना गंवाएं, और होली के एक दिन पहले जब हम होली का दहन करते हैं उसमें भी हमारा ये रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक जैसे पदार्थ ना जलाएं जिससे भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। ट्रेडिशन बिल्कुल होना चाहिए मगर उसमें प्लास्टिक जैसे पदार्थ जिसमें डाइऑक्साइड फ्यूरेंस होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं इन सब चीज़ों को हम ना जलाएं, यही सब हम संदेश लोगों को दे रहे हैं। दर्शकों, पंच महाभूतों में से एक है जल। जल को देवता का भी और जीवन का भी जो है एक स्तर दिया जाता है, देवता माना जाता है जल को। जल ही है जो लड़ा भी सकता है, जल ही है जो दो दिलों को जोड़ भी सकता है। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर इन्होंने एक ही संदेश दिया है कि जो जल है, पानी बचाए और जीवन बचाए। दर्शकों, देखा जाए तो विश्व स्तर में पानी की काफ़ी कमी आज के जो है वर्तमान में दिखाई दे रही है, जिसके चलते जल बचाना काफ़ी आवश्यक है। यही संदेश कहीं ना कहीं जो है विजिल फाउंडेशन के तहत यहाँ दिया गया है। वाटर फॉर पीस इस संकल्पना के तहत इन्होंने जो जन जागृति अभियान चलाया है, जिसके तहत यकीनन जो है नागपुर की जनता साथ ही साथ विश्व की जनता कहीं ना कहीं जागरूक होने जा रही है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC News के लिए नागपुर। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।